दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है जो हम घरों में बिजली फिटिंग करते हैं या कहीं पर भी दोस्तों हम बिजली फिटिंग करते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की वायर का क्यों यूज करते हैं। दोस्तों हम एक ही कलर की वायर का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। दोस्तों इस पे जो देख रहे हैं दोस्तों इस पे तीन वायर है, यानी कि चार वायर है हमारे, तीन तो फेस के है और एक हमारा न्यूट्रल का है। दोस्तों अगर हम इसमें एक ही कलर की वायर का यूज करेंगे तो हम उसमें पहचान नहीं कर पाएंगे आखिर हमारा फेस वायर कौन सा है और न्यूट्रल वायर कौन सा है। और दोस्तों इसमें हम ये भी नहीं पता लगाएंगे ये हमारी थ्री फेज सप्लाई से आया है या हमारी सिंगल फेज सप्लाई से आया है। दोस्तों इसलिए हम अलग अलग कलर की वायर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी सिंगल फेज सप्लाई होती है। दोस्तों हमारी सिंगल फेज सप्लाई में टोटल थ्री वायर का यूज किया जाता है, जिसमें एक होती है दोस्तों हमारी, एक तो होता है हमारा फेस वायर जो हम फेस के लिए यूज करते हैं, और दोस्तों दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल वायर जो हम, जिसमें हम न्यूट्रल वायर के लिए यूज करते हैं, यानी न्यूट्रल के ही लिए यूज करते हैं दूसरा वायर। और दोस्तों एक होता है तीसरा वायर जिसे हम अर्थ के लिए यूज करते हैं, अर्थ या दोस्तों इसको हम ग्राउंडिंग भी बोल सकते हैं, अर्थ या ग्राउंडिंग के लिए हम जो वायर यूज करते हैं, यानी कि टोटल हम तीन वायर यूज करते हैं। जिसमें दोस्तों हम इंडिया के कलर कोडिंग की बात करें, यानी कि हमारे इंडिया में अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो उसमें कौन सा कलर कोड यूज होता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज की, हमारे इंडिया में कलर कोड क्या होता है सिंगल फेज सप्लाई के लिए। तो दोस्तों मैं इसमें दो कलर कोड बताने वाला हूं, एक तो ओल्ड वायर कलर कोड सिस्टम यानी कि सिंगल फेज के लिए, और न्यू वायर कलर कोड सिस्टम हमारी सिंगल फेज सप्लाई के लिए। तो दोस्तों इसमें सिंगल फेज में तीन वायर होते हैं, फेस वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं फेस वायर की, तो फेस वायर के लिए यूज करते थे हम पहले जो होता था दोस्तों रेड वायर सिंगल फेज में, और दोस्तों न्यूट्रल के लिए यूज करते थे हम कौन सा वायर, ब्लैक वायर। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा न्यूट्रल और फेस। और दोस्तों अर्थ की बात करें, अर्थ या ग्राउंडिंग भी बोल सकते हैं इसको, अर्थ के लिए यूज करते थे हम ग्रीन वायर। तो दोस्तों ये था हमारा ओल्ड कलर कोडिंग सिस्टम यानी कि रेड, ब्लैक और ग्रीन। और दोस्तों अब जो न्यू कलर कोडिंग सिस्टम है, जो अब नया वाला कलर कोडिंग है दोस्तों, उसमें है हमारे रेड की जगह ब्राउन, बीर ब्राउन वायर का यूज करते हैं हम सिंगल फेस सप्लाई के लिए। अगर फेस सप्लाई के लिए देना है हमें सिंगल फेस में, तो दोस्तों फेस में यूज करेंगे हम ब्राउन कलर का वायर, और दोस्तों न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे हम ब्लू कलर का वायर, और दोस्तों हम अर्थिंग के लिए ग्रीन ही वायर यूज करेंगे। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि हमारा सिंगल फेस सप्लाई में पहले कौन सा कलर यूज होता था, और दोस्तों अब ये चेंजिंग हो गया है इसमें थोड़ा, तो इसमें रेड की जगह ब्राउन आ गया है, ब्लैक की जगह ब्लू आ गया है हमारे फेस और न्यूट्रल में। तो दोस्तों ये चेंज क्यों हुआ है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जान लेते हैं हमारे थ्री फेस सप्लाई के लिए भी। और दोस्तों ये जो हमारा सिंगल फेस सप्लाई है, आपने घरों में देखा होगा, घरों में जो यूज करते हैं हम सिंगल फेस में रेड, ब्लैक और ग्रीन। तो दोस्तों सिंगल फेस से हमारे घरों में जो उपकरण है वो सिंगल फेस से चलने वाले होते हैं, जैसे हमारा कोई बल्ब हो गया, लाइट हो गई, कूलर हो गया, दोस्तों हमारे फैन हो गए, हमारी एसी हो गई, या हमारी वाटर की जो मोटर होती है दोस्तों उसमें भी हम क्या करते हैं, हमारी सिंगल फेस की ही होती है, जो घरों में वाटर की मोटर लगी होती है, पानी की मोटर। तो दोस्तों ये तो हुआ सिंगल फेस का, दोस्तों इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आखिर इसमें चेंजिंग क्यों आया है। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम थ्री फेस के लिए, हमारे थ्री फेस के लिए इंडिया में क्या कलर कोडिंग है। हमारी थ्री फेस सप्लाई में दोस्तों टोटल पांच वायर का यूज होता है, पांच वायर का यूज होता है, जिसमें एक तीन वायर तो जो दोस्तों हमारी होती है, तीन वायर का जो यूज होगा हमारी फेस के लिए यूज होगा, क्योंकि हमारी थ्री फेस सप्लाई है तो उसमें तीन फेस हो गए, तो तीन वायर यूज हो गए फेस में। टोटल इसमें पांच वायर यूज होते हैं, एक वायर यूज होगा दोस्तों हमारे न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल वायर के लिए, और दोस्तों एक यूज होता है हमारे अर्थ के लिए, अर्थ या इसको ग्राउंडिंग भी बोल सकते हैं। तो टोटल इसमें पांच वायरों का यूज होता है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम थ्री फेज सप्लाई के लिए, टोटल इसमें पांच वायर यूज होते हैं, और किस किस तरीके से हमको यूज करना है। दोस्तों ये लिखा है हमने थ्री फेज, यानी कि हमारी सप्लाई थ्री फेज है, और यहाँ पे लिखेंगे हम कलर कोड, इस लाइन में लिखेंगे हम कलर कोड वायरों का, और जिसमें लिखेंगे हम यानी कि लाइन जोड़नी है, न्यूट्रल जोड़ना है या अर्थिंग जोड़ना है। तो दोस्तों इसमें थ्री फेज होते हैं, जिसमें होता है एक लाइन वन, यानी कि लाइन वन पे हम जोड़ेंगे दोस्तों रेड वायर, और दोस्तों लाइन टू पे जोड़ेंगे हम येलो वायर, और दोस्तों L3 यानी कि लाइन थ्री पे जोड़ेंगे हम ब्लू वायर। तो दोस्तों ये हो गया ब्लू वायर, और दोस्तों न्यूट्रल के लिए जो हम यूज करेंगे, न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे हम ब्लैक वायर, और दोस्तों हमारा जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग के लिए यूज करेंगे हम ग्रीन वायर।
ग्रीन वायर दोस्तों और ग्रीन पार्शियल कलर दोस्तों दो आते हैं, एक आता है ग्रीन पार्शियल कलर दोस्तों, पार्शियल कलर आता है दोस्तों हमारा ग्रीन पार्शियल और ग्रीन कलर, यानी कि ये दो वायर हम यूज करते हैं जो हमारी अर्थ में है। तो दोस्तों हम थ्री फेज सप्लाई की हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर हमारी बड़ी बड़ी मोटर लगी होती है, तो वहां पर जो हमारी मोटर है हम बिना थ्री फेज सप्लाई के उसको नहीं चला सकते, इसीलिए हम थ्री फेज सप्लाई का वहां पे यूज करते हैं, जिसमें इस तरीके से वायर जोड़ी जाती है। हमारी रेड वायर लाइन में होती है और येलो में भी फेस होता है और ब्लू में भी फेस होता है, यानी तीनों फेस हो गए, और न्यूट्रल में हो गया दोस्तों हमारा ब्लैक यानी कि न्यूट्रल, और दोस्तों अर्थ हो गया हमारा ग्रीन या ग्रीन पार्सल कलर। दोस्तों ये होता है इस प्रकार, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, मैंने कलर कोड भी लगा दिए है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन रह गया था कि आखिर हम ब्राउन वायर हमने क्यों चेंज किया है, कि ब्राउन और ब्लू क्यों लेकर आए हैं हम सिंगल फेज सप्लाई में। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि कई बार होता है क्या, हम जिस तरीके से आप देख सकते हो डिस्प्ले पे आ रहे हैं हमारे सारे कलर कोडिंग थ्री फेज भी और सिंगल फेज भी। तो दोस्तों जब हम सिंगल फेज सप्लाई का यूज करते हैं तो कई बार हम रेड वायर, अगर हम रेड वायर ही सिंगल में यूज करेंगे, सिंगल फेज सप्लाई में यूज करेंगे, और रेड वायर ही हम थ्री फेज सप्लाई में यूज करेंगे, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी सप्लाई थ्री फेज से आई है या सिंगल फेज से आई है। तो इसीलिए इसकी पहचान करने के लिए हमने हमारे इंडिया में इसका कलर कोडिंग चेंज हो गया है, जिसमें हम ब्लू वायर और ब्लू वायर यूज करेंगे न्यूट्रल के लिए सिंगल फेज में, और ब्राउन वायर यूज करते हैं फेस के लिए सिंगल फेज सप्लाई में। ब्राउन और ब्लू यूज करेंगे न्यूट्रल और फेस में, और वही बात करें हम थ्री फेज सप्लाई में तो आप रेड येलो और ब्लू और ब्लैक हो गया हमारा न्यूट्रल, और ग्रीन हो गया अर्थिंग या ग्रीन पार्शियल कलर हो गया हमारा अर्थिंग। तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो मैंने सारे कलर लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो इसमें थ्री फेस एक लाइन में है जो थ्री फेस में वायर यूज होंगे थ्री फेस सप्लाई के लिए, और सिंगल फेस सप्लाई के लिए जो अलग लाइन में है वो वायर यूज होंगे। तो दोस्तों ये तो कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हो गया आपका, उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों कमेंट भी जरूर कर दीजिए दोस्तों, अगर कमेंट में अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।